हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ और फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, फार्मा रिगार्डिंग जितने भी आपकी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, सारी वैकेंसी की डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे चैनल पर अमरसार एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे NTPC, यहाँ पे फार्मा रिगार्डिंग कुछ वैकेंसी आई है जिसमें कि बीफार्म विथ एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। नेक्स्ट बड़ौदा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे बीफार्म डीफार्म दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर वाले भी एलिजिबल है। और नेक्स्ट जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से जिले वाइज जो वैकेंसी आ रही है फार्मासिस्ट की एक अच्छे लेवल पे, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं NTPC में यहाँ पे जो फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी है। तो जैसे कि आप इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे तो पहला ही जो रिक्वायरमेंट आप देख पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बीफार्म कैंडिडेट एलिजिबल है विथ एक्सपीरियंस। क्या एडवर्टीजमेंट है, जैसे आप इसकी इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। स्टार्ट डेट लिखी हुई है और एंड डेट आप देख पा रहे हैं 14/7 यानी कि 14 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है। जैसे आप इसकी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये जो NTPC की जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके सामने खुली हुई नजर आएगी। और जैसे कि आपने मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कंपनी NTPC, यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। 10 पोस्ट हैं टोटल, कितनी पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं MBBS, BDS, BMS, BHMS, BSc नर्सिंग और बी फार्मा, है ना। बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। एंड PG डिग्री में डिप्लोमा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास जो है PG डिग्री डिप्लोमा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट हॉस्पिटल भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है जी। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ हॉस्पिटल एडमिशन में आपका बी फार्म हो या फिर आपका PG डिप्लोमा आपने कुछ मैनेजमेंट में किया रखा हो तो वहाँ पे आपको एलिजिबल है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, कितने 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एटलीस्ट 50 यानी कि 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 56 ईयर इसकी लास्ट डेट है, सॉरी एज लिमिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यून ऑफ एंगेजमेंट आप देख पा रहे हैं 4+1 यानी 4 ईयर का आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है जी। तो इसकी लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 14/7 जो है इसकी लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, 10 पोस्ट टोटल जो है वो यहाँ पे आ रखी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वडोदरा में, यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट की। जैसे ही आप इसके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करिएगा तो जी हाँ, ये गुजराती लैंग्वेज में है बट हम इसको पढ़ पा रहे हैं। सिंपली देखिए फार्मासिस्ट की 12 पोस्ट हैं लगभग। और यहाँ पे अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जी हाँ, इसमें जितने भी गुजरात के कैंडिडेट हैं ना, गुजरात फार्मेसी काउंसलिंग से, वही एलिजिबल है। बी फार्म और डी फार्म दोनों ही फ्रेशर भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। 17,000 कुछ इसकी सैलरी है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, सीधा आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जाके इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे जिले वाइज जो वैकेंसी आ रही है, एक और जिले में वैकेंसी आई है जिसमें कि एक ही वैकेंसी आई है, काफ़ी सारी वैकेंसी 13, 11, 10 की आई है, यहाँ पे खाली एक ही वैकेंसी है। क्या एलिजिबिलिटी है, हम जानते हैं बी फार्म डी फार्म दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, फ्रेशर कैंडिडेट, बट मस्ट कंपलसरी जो कैंडिडेट है वो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी मुझे कम से कम 10 दिन हो गए कंटिन्यू छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है और एक अच्छे लेवल पर आ रही है, अच्छे पोस्ट पर आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। 25/7 की लास्ट डेट है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और डेली फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।